मैं आपका दोस्त राजीव बंसल आपके प्रिय चैनल हांसी की आवाज़ से अक्सर हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत योगदान रहता है। सौभाग्यवंश हमारे बीच एक ऐसी महिला एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण जो लेके चल रही है, महिला आयोग की एक सदस्य हैं, आप हैं मैडम इंदुला। प्रदेश में एक आयोग बना है, महिला आयोग, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। महिलाओं पे एट्रोसिटीज होती हैं, जातियाँ होती हैं, इनके पास एप्लीकेशन आती हैं, उनकी सुनवाई करती है। आज हांसी के अंदर एक ऐसी पारिवारिक कलह को सुलझाने के लिए, आर्बिट्रेरी ढंग से उसको सुलझाने के लिए यहाँ पहुँची हैं इंदु यादव जी। तो हम जानते हैं कि ये क्या मामला है और किस तरह की एट्रोसिटीज़ जो एक पर्टिकुलर महिला के साथ हो रही है। एक पारिवारिक मामले में ऐसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की भी आती है, ऐसी बच्चों द्वारा डिस्कार्ड कर दी गई हों, ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे माँ बाप हैं, उनकी भी आप समस्याएँ सुलझाती हैं। तो पहले तो हम आपका जानते हैं कि वह आपका महिला आयोग में कितने साल से आप महिला आयोग में हैं? मैं पिछले 1.5 साल से महिला आयोग में सदस्य। हाँ जी, आप भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। हाँ जी, मैं 1986 के अंदर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी और तब मैं हिसार में बैठी थी जी, और 88 में मैं दादरी शिफ्ट कर गई थी जहाँ मैंने अपना विद्यालय खोल रखा था, वहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी और तभी मुझे भारतीय जनता पार्टी में महिला बच्चों को पढ़ाती थी या मतलब वहाँ मैं अपना स्कूल चलाती थी, चलाती। तो उसमें जो भी मेरे गली मोहल्ले के जो बच्चे आते थे मैंने शुरुआत वहाँ से की थी और मेरी शुरुआत बहुत ही छोटी थी, 35 बच्चों से मैंने अपना स्कूल चलाया था और उसके बाद वो बढ़ता 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 स्कूल जो है वो 450-450 मेरे पास बच्चे थे। स्कूल अभी भी रन कर रहा है? नहीं, स्कूल अब मैंने बंद कर दिया है और अब मेरे बेटी, एक ही बेटी है, जो नीति नरेंद्र जी मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये फार्मूला मैंने 1985 में ही अपना लिया था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया और आज वो मेरी बेटी डॉक्टर हैं, मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं, आर्मी से रिटायर्ड मेजर हैं वो, और दोनों ने मिल के जय हिंद हेल्थ केयर भारू रोड पर अपना एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे लग रहे हैं वो, और वहाँ पे 11 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल की देखभाल करने के लिए ही मैंने स्कूल को बंद किया था ताकि आदमी। जिला पार्षद भी रही? मैं 94 में जिला पार्षद रही थी मैं, और 88 में मैं महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्षा बनी थी, उसके बाद मैं निरंतर राष्ट्रीय पदों तक मैंने भाजपा में काम किया है और 94 के अंदर मैंने कमल के फूल के ऊपर मैंने चुनाव लड़ा था, जब कोई बीजेपी को जानता भी नहीं था, खाली अटल आडवाणी जी के नाम से जानते थे। और इससे पहले एक बात बताऊंगी, यानी जब मैं 88 में दादरी आई मैं, तो उस समय जब मुझे बीजेपी में शामिल किया गया तो उस समय मुझे लोग, मेरे पे लोग हंसते थे, अगर तूने पार्टी भी ज्वाइन करी तो क्या पार्टी ज्वाइन की, जबकि कांग्रेस तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगा। 1988 में भी आप इतनी दुबली पतली थी? हाँ जी, शुरू से ही मेरा शरीर जो है वो ऐसा ही रहा है, दुबला पतला ही। और तब मैंने ये कहा था, मैंने एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दामन थामा है और एक दिन वो यही पार्टी आज नहीं तो कल पूरे भारत में नहीं पूरे राष्ट्र के अंदर। आपकी प्रेडिक्शन यानी कि एकदम बिल्कुल 100% सही है? ये मेरी बिल्कुल सही निकली जी। अब हम जानते हैं महिलाओं की जातियाँ और एट्रोसिटीज होती है, एट्रोसिटीज आप समझती हैं, जानती हैं अत्याचार, डोमेस्टिक वायलेंस भी, और पुरुष भी इसका शिकार रहता है बराबर, और कुछ ऐसी फेक भी आती होंगी अपनी। बिल्कुल आती है। आज हांसी में आई हैं, किस केस को सॉल्व करने के लिए? देखिए, मैं हांसी में इसी परिवार का इस दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए आई। पहले इनकी बेटी सुमन थी, इनका दामाद कुलदीप था, जो उस लड़की के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, शराब पीता था, बच्चों तक को उनकी फीस वगैरह ना भरना, खाना नहीं भरना, रात को धक्के दे के बाहर घर से निकाल देना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लेते तो देख लेते। फिर उसने वो फिर दोबारा रही इस परिवार के अंदर, परंतु फिर भी उसके अत्याचार ख़त्म नहीं हुए और वो बच्चों को रात को भी एक
कोई कीटनाशक दवाई जो है उसने बच्चों को पिलाने की कोशिश की, जिसके ऊपर बच्चों ने विरोध किया कि हम ये नहीं पिएंगे। उसके बाद से वो बच्ची जो है वो घर छोड़ के आ गई कि मैं तो तलाक लेते ही रहूँगी, मैंने इस परिवार के साथ में मैं नहीं रह सकती। आज माया देवी ने हमारे आयोग में आज से 15 दिन पहले एक प्रार्थना पत्र लगाया था कि मेरे बेटे और बहू, बेटा राजेश और बहू मेरी सीमा, मुझे इतनी अभद्र गालियाँ, इतना अभद्र व्यवहार करते हैं जिसको मैं सहन नहीं कर सकती, और आके मुझे घर के ऊपर सब प्रकार के अत्याचार करने की कोशिश करने लग रहे हैं। तो मैंने फ़ोन के ऊपर एक बार राजेश से भी बात की थी, मैंने कभी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिताजी, उनकी सेवा पानी करो, परंतु उसका तो एक ही सवाल था कि वो लोग मुझे तंग करते, मैं उनको तंग नहीं करता, जबकि माँ लगभग 65 के आसपास की होंगी शायद, और पिताजी जो है 70-75 के आसपास के होंगे, बहुत बीमार हैं वो, चलने फिरने में भी असमर्थ हैं वो, परंतु उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप की सेवा ना करके आज 5-7 आदमियों को अपना सिफारसी बना के लेके आया है, जिस मुद्दे की मैं छानबीन अब मैं करने लग रही थी, उस मुद्दे से भटक भटक के वो लोग बात करने लग रही थी, बजाय एक बिंदु के ऊपर आके एक बात करें। जब वो महिला अपना स्पष्टीकरण देने लग रही थी, तब वो सारे के सारे चुप खींच गए और यूँ कहने लगे कि वास्तव में इसने बहुत दुखी होकर अपने बच्चों का लालन पालन किया है हर तरीके से, परंतु उसका लड़का जो है वो उसके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार करता था। और आज जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो दोनों पक्षों की ईमानदारी से सुनाई करके, और जो होगा, चाहे बच्चा गलत है तो बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा और महिला को न्याय मिलेगा, अगर महिला ठीक नहीं है तो उसको न्याय मिलेगा, यानी अन्याय किसी के साथ भी हमारा इस प्रिवेलिंग सोसाइटी के अंदर। इस तरह की कितने केसेस आते हैं? बहुत ऐसे केस आते हैं हमारे, वृद्ध माँ बाप हो जाते हैं, बच्चे डिस्कार्ड कर देते हैं, घर से निकाल, ऐसे इतने केसेस आते हैं, बेसहारा आश्रम में जाते हैं, वो बेसहारा आश्रम में भी जाते हैं, और कई एक जगह तो ये जो सीनियर सिटीजन वाला जो अब हमें एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है, अब भाई बच्चों को ये कह के, अब भाई आपने अपने माँ बाप को रखना है, जो उनकी जायदाद है उसकी प्रॉपर्टी में से उनको कोई दखल नहीं कर सकता है, और हक से वो अपने परिवार के अंदर रहते हैं। तो ये एक चीज़ एक अच्छी सरकार ने करी है कि इनको न्याय देने के बजाय या इनको वृद्ध आश्रम में भेजने के बजाय वो अपने ही घर में रहें, तो इस टाइप की एक सुविधा भी सरकार, हाँ जी, उनको सिक्योरिटी भी देती है। ये आपका आयोग जो है, आप यहाँ जो आर्बिट्रेटरी ढंग से बात करके जाएंगे, इनको लेके जाएंगे, ये किस एक्सटेंड तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल है? नहीं, जुडिशियल तो ऐसा होता है जी कि जहाँ तक हम इनको यहीं अगर बैठ के हम लोग यदि हमारी बात दोनों पक्ष यदि मान लेते हैं तो हम यहीं पे समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, अन्यथा दोनों चीज़ों की रिपोर्ट लिख के और हम लोग कंसर्न थाने में भेज देते हैं कि भाई इनके विरुद्ध आप लोग ये कार्रवाई। प्रदेश के अंदर ऐसे कितने केसेज आए फीमेल फुटिसाइड के, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के भी आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के भी आते हैं केसेज, और ऐसे कितने केसेज आए जो महिलाओं के? देखिए, भ्रूण हत्या वाले तो हमारे पास अब तक एक रेवाड़ी से केस आया था, उस मैंने तो 1.5 साल के अंदर ऐसा मेरे सामने कोई ऐसा केस नहीं आया है। हाँ, बाकी डोमेस्टिक वायलेंस के केस हमारे पास खूब आते रहते हैं, और परंतु फिर भी हम उनको पक्षों को समझा के जो है ना जी, मेरा तो जहाँ तक ये है, मेरा 95% ऐसा रहता है कि भाई मैं समझौता करवा के दोनों परिवारों को। चलो मैं एक क्वेश्चन बात और करता हूँ। हाँ जी, करिए। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही ऑफेंस है? बिल्कुल जी। और दहेज देने वाला भी गुनहगार है? बिल्कुल। और लेने वाला भी है? तो एक्शन दहेज लेने वाले पे ही क्यों होता है, देने वाले पे क्यों नहीं होता? नहीं, हम तो जैसा जो पक्ष हो ना जी, अगर देने वाला के ऊपर भी ऐसी कोई चीज़ है तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं। हम दोनों पक्षों से सुनते हैं खूब आराम से, एक पक्ष पे हम कभी भी सुनवाई नहीं करते, दोनों पक्षों को हमेशा हम अपने पास बुलाते हैं, दोनों पक्षों को बैठ के हम लोग सुनते हैं। नटसल में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम शॉर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो जो मासीज हैं, जो पब्लिक है, जो जनता जनार्दन आपकी मधुर आवाज़ को सुन रही है, तो क्या देना चाहेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो ऐसा समाज में ऐसा गंभीरता से क्यों पैदा हो गया ऐसा? देखिए, मैं अपने समाज में एक ये संकेत दूंगी कि पहले तो अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कारित करें, जहाँ संस्कार होंगे वहाँ पे इस प्रकार की छोटी मोटी बातें या दुर्व्यवहार की बातें वो सामने नहीं आएंगी। इसके बावजूद भी यदि कहीं ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो बड़े जो बुजुर्ग जो आदमी होते हैं उनको परिवार में मान सम्मान देना चाहिए, ताकि वही लोग ऐसे हैं जो हमारे परिवारों को जोड़ के। एक बात और काट रहा हूँ। हाँ जी, सोसाइटी के अंदर माइनर के साथ ऐसे मोलेस्टेशन की वो आती है, रेप की भी आती है, हमारे यहाँ से बहुत ऐसे केसेस हुए हैं,
महिलाओं के लड़कियों के साथ भी ऐसा है, ईव टीजिंग का होता है, और नहीं भी होता है तो कुछ ऐसी जो फ्लैटर्स होती हैं वो पुरुषों पे आरोप भी लगा देती हैं, ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं, ये क्या हो गया? देखिए, ये समाज जो है ना एक लीक से हट गया जी, उसमें संस्कार कम रह गए, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वहाँ से जो चीज़ें एक अच्छी हैं वो ग्रहण नहीं करती हैं वो लोग, और जो उसमें बेकार की जो बातें हैं उनको दिमाग में डालकर उसी टाइप का काम करना शुरू कर देती हैं, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हो, एक तरफ से कहीं भी हाथ नहीं बढ़ता है, दोनों पक्षों की तरफ से हाथ बढ़ता है तभी कोई चीज़ होती है। और ये 14-15 साल की बच्चियों के साथ में, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ बच्चा फिसलता है, एडोलेसेंट स्टेज, हाँ जी, तो उस समय उसके घर में यदि उसके माँ बाप उसके दोस्त बन के यदि उससे शेयर करेंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे। अगर माँ बाप से अपनी बातों को शेयर नहीं करता या माँ बाप अपने बच्चों के साथ में, क्योंकि आज का समाज जो है पहले वाले समाज से बिल्कुल भिन्न हो गया, आज का समाज जो है वो अपने बच्चे मित्रता पसंद करते बजाय कि लड़ाई झगड़ा डांट पांट मारना तोड़ना, ये सारी चीज़ें सब खत्म हो गई हैं। तो मित्रता के आधार पर यदि हम चलते हैं तो हमारा बच्चा 100% एक सही लाइन के ऊपर सही रास्ते पे। ये थी इंदु यादव जी, महिला आयोग की वन ऑफ द मेंबर हैं, सदस्य हैं। इन्होंने बताया कि मैंने एक ही बेटी को जन्म दिया और उनको बहुत अच्छी एजुकेशन दी, संस्कार दिए, वो आज डॉक्टर है और उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो इनका यानी कि बच्चियों के लिए दिल धड़कता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी, करोगे विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास को छू लेगी, ना करना नज़रअंदाज बेटी को जीवन में कभी, ना जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी, आकाश को छू लेगी। ऐसी जज्बाती इंदु यादव जी आप हमारे बीच आई, हमारे चैनल के साथ आपने बातचीत की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इसी प्रकार की सामाजिक सरोकार रखने वाली महिलाओं से, ऐसी व्यक्तित्व से हम आपको मिलवाते रहते हैं, और इसी तरह की ऐसी जो महिला आयोग में इंदु यादव जी हैं, ऐसी आवाज़ उठाती हैं, जाकर जहां इनके पास एप्लीकेशन जाती है वहां जाकर उनकी सुनवाई करती है दोनों पक्ष की और उनका घर बसाती है, तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ हमारे चैनल। इस पर एक बात और बताऊँगी जी मैं आपको, जहाँ पे खास, हाँ, जहाँ पे खास करके किसी बच्ची के साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो हम एप्लीकेशन का इंतजार नहीं करते हैं, हमें जो ही कहीं से टीवी से फोन से कहीं अगर हमें जानकारी मिल जाती है, अच्छा, तो उसका स्वयं संज्ञान लेने के लिए हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये हमारे आयोग का एक वो है, यानी सेल्फ कॉग्निटेंस लेते हैं, संज्ञान लेते हैं, बिल्कुल स्वयं आके हम लोग संज्ञान लेते हैं। मित्रों, ये थी इंदु यादव जी जिन्होंने हमसे बेवाक बातचीत की और बड़े अच्छे विचार रखे। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हंसी का आवाज़ आपका प्रिय चैनल है, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद दिया, और आप हमें फीडबैक भी देते रहते हैं, फीडबैक इसलिए मांगते हैं कि आपकी फीडबैक हमारे लिए बोर्नवीटा का काम करती है, एक नई ऊर्जा का सृजन करती है, ताकि हम नए उत्साह के साथ आपके समक्ष एक अच्छे कार्यक्रम ला सके। मेरे साथ मेरे एडिटर अजय यादव के साथ मैं राजीव बंसल, इस वादे एक वादा चाहता हूँ कि इस वादे के साथ कि आप हमारे इस हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी टीम के सदस्य विजेंद्र सैनी जी मेरे साथ हैं, तो हम तीनों ही मिलकर आपसे एक वादा चाहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और हमें फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि हम एक नया से नया प्रोग्राम, एक अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके समक्ष रख सके। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। आप इंदु यादव जी, आप महिला आयोग की सदस्य हैं, महिला आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसके बाद आप राजनीति में कितना सक्रिय हैं, आपका मन राजनीति में ऊपर जाने के लिए करता है या नहीं करता है ये बताइए, क्योंकि दादरी से बिलोंग करती हैं आप, दादरी से आपको टिकट की चाहत है चुनाव लड़ने की, कि भी एक ऊपर जाकर विधानसभा में आवाज़ उठाऊँ महिलाओं के लिए? देखो जी, राजनीति क्षेत्र में कोई जो आदमी आता है वो रोटी बनाने के लिए नहीं आता, वो कोई इच्छा लेके आता है, जब ही वो इसी राजनीति क्षेत्र के अंदर आता है। और मुझे अपने संगठन के अंदर 33 साल हो गए काम करते हुए, राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न पदों पे मैं गई हुई हूँ, और आज मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कभी हमारे संगठन महामंत्री हुआ करते थे,
और उनके नेतृत्व में हमने संगठन में बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। उन्होंने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छी बातें बताते थे संगठन के प्रति, और संगठन में समर्पित रहने की ही बात बताते थे। हम कहते थे कि पहले संगठन के प्रति समर्पित हो गए तो ही तो आप अपने घर के प्रति समर्पित हो गए, तो ऐसी भाषा बोला करते थे वो। और हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है। और चूँकि आज राजनीति क्षेत्र में आज के दिन हमारी भाजपा में सरकार, आगे भी हमारी भाजपा में सरकार आएगी, तो मेरा भी मन किया कि मैं दादरी विधानसभा क्षेत्र से अब की बार में चुनाव लड़ूं। आप दावा कर रही हूँ? मैं बिल्कुल दावा कर रही हूँ, पर संगठन यदि मुझे टिकट देगा तो मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगी और मैं 100% जीत कर मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत करूँगी। आप आशावान कितनी है टिकट की? 100%। तो आपको किस किसने कंसेंट दे दी हुई है आपकी टिकट? नहीं, मुझे किसी ने नहीं दिए, मेरे नारायण ने दिए और मुझे संगठन पे विश्वास है। आप नारायण पे विश्वास लगा रहे हैं? हाँ जी, और संगठन पे। हाँ जी। तो नारायण किसको मानती हैं, कौन सा इष्ट कौन सा? नहीं, इष्ट मेरे तो सभी इष्ट हैं जी, मैं तो सिर्फ एक, सिर्फ नाम नारायण, उस नारायण में सारे ही देवी देवता आ जाते हैं। आप उन गवालों की यानी कि फर्टिलिटी से बिलोंग करती हैं जिसमें कृष्ण भगवान होते थे, वो भी याद रखते बंसुरी बजा के राधिकाओं को इकट्ठा ले जाते थे, ले जाते थे और उनको इकट्ठा करने की अक्षमता थी, कदम के पेड़ पे खड़े होते उन राधिकाओं को टीज करते थे, उनकी गुलेल से उनकी मटकी फोड़ देते थे, उसी यानी कि बिरादरी से। बिरादरी से वो हमारे, हम कृष्ण वंशज जी हैं। हाँ, कृष्ण वंशज जी, कृष्ण वंशज जी। हाँ, तो आपके नारायण भी हैं? हाँ जी, हमारे नारायण। तो कृष्ण भगवान की कृपा होगी टिकट के लिए आपके? मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। या मनोहर लाल जी कृष्ण भगवान बनकर आपको टिकट देना है? चाहे किसी भी तरीके के हो, मुझे अपने संगठन पे विश्वास है और मनोहर जी पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अबके बाद दादरी विधानसभा से टिकट मिलेगी, और खास करके महिला कोटे से। तो आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? जिला तो बना लिया आपने, हासिल तो छुड़वा दिया हमारा दादरी। जिला में ऐसा है जी, वहाँ पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा पिछड़ा हुआ है, औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा क्षेत्र वहाँ पिछड़ा हुआ है, और इसके अलावा और भी बहुत सी हैं जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, पर प्रायोरिटी पे एक तो मेडिकल कॉलेज है, एक वहाँ पे उद्योग स्थापित करना ताकि जो रोजगार बेरोजगार बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके। और अपने ही जगह अगर मेडिकल कॉलेज रहेगा तो हमें रोहतक हुआ या और कहीं कहीं जो आगरा हुआ और कहीं घूमना पड़ता है, दिल्ली हुआ, उसकी जगह हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बच्चियाँ हो, उनको कहीं दूर भटकने की बजाय अपने ही कॉलेज में आ गया एजुकेशन। की बात 74 पार या 90 पार? ऐसा मानना है जी हमारा, तो ये 74 पार तो कुछ भी नहीं है, यानी कि 90 की 90 सीटें लड़ेंगे आएंगे। टीचर भी रही हैं, 100% मार्क्स भी देती हूँ मैथमेटिक्स में। हाँ जी, तो इसमें भाजपा को 100% मार्क्स दे रही है? 100%। हाँ जी, 90 की पूरी उम्मीद करती हूँ कि 90 पे अपन। नरेंद्र हुड्डा जी फिर से यानी कि विपक्षी नेता बन गए हैं, शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस की, कांग्रेस दोबारा रिवाइव हो गया है, तो विपक्ष तो सामने नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं है जी, विपक्षी जी कुछ भी नहीं, नथिंग। दुष्यंत चौटाला जी कोई ना चौटाला है, ना कांग्रेस है, ना वो कोई पार्टी एक्स वाई जेड। क्यों नहीं है कांग्रेस? क्यों नहीं है? इतने 60 साल 65 साल जो राज कर लिया उन्होंने कर लिया जी, अब नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनोहर लाल जी के कार्य करने की शैली, जो नरेंद्र मोदी जी की कार्य करने की शैली, जो उन्होंने योजनाएं यहाँ उन्होंने दे रखी हैं, लोगों को दे रखी, समाज में दे रखी, राष्ट्र में दे रखी, देश में दे रखी हैं, उन योजनाओं का मुकाबला 60 साल में पिछले 70 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस करप्शन पे चल रही है? करप्शन नहीं है? नहीं, कोई करप्शन बिल्कुल नहीं है? नहीं, कुछ सीएम कुंडों में कोई नहीं। देखो ऐसा, जहाँ तक मेरे ऐसे कोई संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस टाइप की कोई यहाँ पे करप्शन होगा। जो ग्रांट्स आती हैं प्रॉपर लगती हैं? वो सब प्रॉपर लगती है, और जहाँ पे अगर कोई इम्प्रॉपर है या ऐसे अगर मनोहर जी के संज्ञान में आ जाती है तो वहाँ पे तुरंत वो एक्शन भी लेती है। नौकरी के रिक्रूटमेंट में कोई ऐसा काम बिल्कुल पारदर्शिता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पारदर्शिता, उसी के आधार पर आज जनता जो है बीजेपी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा लगा के। आपके वो आशीर्वाद यात्रा पहुंच चुकी है? हमारे आशीर्वाद यात्रा पहुंच चुकी है। आपने अभिनंदन कर दिया? बिल्कुल कर दिया। कैसा रिस्पांस मिला? खूब बढ़िया रिस्पांस मिला था, 22 बिंदु थे सभी लोगों के, और लगभग मेरे वाले बिंदु मतलब करीबन सभी बिंदुओं के ऊपर ठीक मतलब भीड़ थी, खूब अच्छा रिस्पॉन्स था। हालांकि 3 घंटे रैली हमारी लेट जाने लग रही थी, उसके बावजूद भी मुझे 3 बजे का समय दिया गया था तो 6 बजे मेरे पास पहुंचे, पर फिर भी लोग खचाखच भरे हुए थे। ये थी इंदु यादव जी, इनका राजनीति के लिए भी दिल धड़कता है, साथ में महिलाओं के लिए भी काम करती है, राजनीति में भी आकर महिला एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए
काम करना चाहती, क्यों ना करें। 33 साल से ये लगातार संगठन से जुड़ी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ी है और बीजेपी में विभिन्न पदों पर रही है, तो इनका दावा बनता है। ये कह रही है कि वो मेरा दावा बनता है और इस बार मैं फतेह करूँगी किला और दादरी जिले की ये MLA बनेगी। तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी थोड़ी सी सिफारिश हांसी को भी जिला बना देने की सिफारिश कर दीजिए, ताकि हमारा स्तर और आपका स्तर बराबर हो। हम तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगे हैं, कभी हांसी एक राजधानी हुआ करती थी, तो अब वो सब डिवीजन से नीचे जा रहा है। जरूर सिफारिश करेंगे हांसी। धन्यवाद। ये मजाक की बातें चल रही थी और हम बहन जी से शुभकामनाएं, बहन जी को शुभकामनाएं देती हैं कि आपने जो सोचा है और जिस फील्ड में जाना चाहती हैं और जिसमें काम कर रही हैं उसमें अव्वल होकर काम करें, हमारी शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं हमारे यहाँ से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।